हेलो दोस्तों दोस्तों हमने पिछली वीडियो में आपको अपनी बाइक दिखाई थी SP125। तो मेरे बहुत से दोस्तों ने और बहुत से कमेंट्स मेरे पास आए कि भैया आपने ये बाइक तो ली, आपने इसका कॉस्ट नहीं बताई हमें, इसकी कंफर्म नहीं की कॉस्ट क्या है क्या नहीं है। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स बात करेंगे SP125 की कॉस्ट के बारे में। जी हाँ, हम SP125 की कॉस्ट बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में कि हमने ये बाइक कितने की परचेज़ की, हमें कितने की ये बाइक ऑन रोड पड़ी है और इसमें कौन कौन से वेरिएंट आते हैं, आज इसके वेरिएंट ये हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों SP125 में पहले मैं बता दूँ आपको इसके वेरियंट्स के बारे में। जी हाँ, SP125 के अंदर आते हैं दो वेरियंट, एक होता है डिस्क ब्रेक के साथ और दूसरा विदाउट डिस्क के साथ। तो आज इस वीडियो में मैं दोनों के आपको शोरूम प्राइस और ऑन रोड प्राइस दोनों बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं SP125 के प्राइस के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया, इस बाइक के अंदर आते हैं दो वेरिएंट। जी हाँ, दो वेरिएंट में ये बाइक आती है, एक होता है ड्रम ब्रेक, होता है डिस्क ब्रेक। तो पहले बात करते हैं ड्रम ब्रेक की। तो दोस्तों ड्रम ब्रेक की जो कीमत होती है वो है 73,452 रुपये। जी हाँ, 73,452 रुपये जो है ड्रम ब्रेक की एक शोरूम कीमत है दिल्ली। और इस पे RTO एंड अदर चार्जेस जो लगते हैं, अदर चार्जेस लगते हैं वो 6,372 रुपये लगते हैं। और इसका जो इंश्योरेंस होता है नॉर्मल इंश्योरेंस, जिसमें आपका 1 साल जीरो डेथ और 5 साल थर्ड पार्टी, 4 साल थर्ड पार्टी मिलता है, वो 5 साल सॉरी 4 साल नहीं 5 साल पूरा थर्ड पार्टी और 1 साल जीरो डेप्थ होता है, वो होता है 4,864 रुपये। तो आज जब हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो बाइक जो है हमारी पड़ती है वो 84,696 रुपये की लगभग ये ड्रम ब्रेक पड़ता है हमारा दिल्ली के एक शोरूम प्राइस के अनुसार। अब बात करते हैं दोस्तों डिस्क ब्रेक। डिस्क ब्रेक जो है इसका वो इसके ड्रम ब्रेक वेरिएंट से थोड़ा सा महंगा है। दोस्तों इसका जो डिस्क ब्रेक वेरिएंट है वो आता है 77,652 रुपये उसकी एक शोरूम कीमत है। और इसके RTO एंड अदर चार्जेस हैं 6,712 रुपये। और वहीं इसका इंश्योरेंस भी ड्रम ब्रेक से थोड़ा सा महंगा है, जो है 49,116 रुपये का, यानी 4,916 रुपये का। और जहां इसकी टोटल कीमत की बात करें डिस्क ब्रेक की, वो है 89,280 रुपीज़, यानी कि 79,280 रुपये। तो ये जो है डिस्क ब्रेक जो वेरिएंट है ये ड्रम ब्रेक वेरिएंट से दोस्तों थोड़ा सा महंगा है। तो दोस्तों हमने आपको आज अपनी SP125 की कीमत के बारे में बता दिया है, जो आप पिछली वीडियोस में आपने मेरे से बहुत रिक्वेस्ट की थी और जो हमने मिस कर दी थी। तो दोस्तों मेरे ख्याल से अब आपको पता लग गया होगा कि SP125 हमने कितने की परचेज़ की है। और हमने जैसे आपको बता दिया था कि हमने लिया है इसका ड्रम ब्रेक, जो ड्रम ब्रेक वेरिएंट है वो। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए अगर आपको और भी कुछ जानना है SP125 के बारे में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन ओके बाय बाय।